दोस्तों शोएब अख्तर ने टीम इंडिया के खिलाफ ऐसा जहर उगला है कि जिसे इंडियंस फैंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अक्सर कर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता ही रहता है, बट इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। इस बार उसने टीम इंडिया की बेइज्जती के साथ साथ रोहित शर्मा को भी इतना बुरा भला कहा है कि आप सहन नहीं कर सकते। शोएब अख्तर का मानना है कि टीम इंडिया 2023 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का दावेदार नहीं है। रेवे स्पोर्ट्स को दे गए इंटरव्यू के अकॉर्डिंग शोएब अख्तर ने कहा है कि रोहित शर्मा के पास ऐसी टीम नहीं है जो 2023 का खिताब जीतने में कामयाब हो पाए। और इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा है कि रोहित शर्मा एक घबराया हुआ कप्तान है, उसे टीम इंडिया की कप्तानी नहीं करनी चाहिए। शोएब अख्तर ने कहा है कि रोहित शर्मा एक शानदार प्लेयर तो है, लेकिन उसे टीम इंडिया की कप्तानी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। रोहित शर्मा शायद विराट कोहली से भी ज्यादा टैलेंटेड है और उनके पास सभी शॉट्स भी है, लेकिन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को कप्तानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा कप्तानी का दबाव में आने के कारण अच्छा खेल नहीं पाएगा। अब आप ही बताइए, क्या रोहित शर्मा को कप्तानी करनी चाहिए? और इतना ही नहीं, रोहित शर्मा अपने प्लेयर्स को भी बुरा भला कहते हैं। टीम इंडिया और रोहित शर्मा को टारगेट करते हुए शोएब अख्तर ने कहा है कि इस वर्ल्ड कप में दबाव से निपटना बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या आपकी टीम में ऐसा कोई है जो सारा दबाव अपने ऊपर ले ले? सिर्फ ऐसा करने वाला एक ही शख्स था, वो था एमएस धोनी, और अब वह आपकी टीम में है नहीं, तो अब ऐसा कौन करेगा? क्या रोहित शर्मा ऐसा कर पाएंगे? एनीवे दोस्तों, क्या आपके अकॉर्डिंग रोहित शर्मा को कप्तानी करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।